गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं क्लास सेवन्थ, और क्लास सेवन्थ में हम चार वीडियो या लेक्चर हम पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है रीजन एंड एम्पायर, क्षेत्र और उनका साम्राज्य, कि हमारे देश में कौन कौन से ऐसे बड़े एम्पायर हुए हैं, कौन साम्राज्य हुआ है, और साथ ही साथ उन जो एम्पायर थे उस एम्पायर के रीज़न कहाँ कहाँ थे, मतलब कहाँ तक वो विस्तार हुआ था, ये रीज़न कहाँ से कहाँ तक ये फैले हुए थे। तो आगे देखिए, लार्ज स्टेट्स लाइक दोस ऑफ द चोल, तुगलक्स और मुगल कंप्राइज मैनी रीजन्स, कि बहुत बड़े बड़े जो स्टेट्स थे, रियासतें थी, राज थे, एम्पायर थे, जिनमें चोल एम्पायर, और चोल एम्पायर कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था, साउथ इंडिया में। तुगलक डायनेस्टी कहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी, हमारे नॉर्थ इंडिया में, जैसे दिल्ली सल्तनत के बारे में हम कहते हैं, दिल्ली सल्तनत 1206 टू 1526 तक इस्टेब्लिश रही थी, और इसमें पहली जो डायनेस्टी थी वैसी स्लेव डायनेस्टी, सेकेंड खिलजी डायनेस्टी, थर्ड तुगलक डायनेस्टी, फोर लोधी डायनेस्टी, एंड फाइव आती है सैयद डायनेस्टी। अब तुलक डायनेस्टी के बाद लोधी डायनेस्टी के बाद सैयद डायनेस्टी, और सैयद डायनेस्टी के बाद दिल्ली सल्तनत का एक पार्ट एंड हो जाता है, ऐसा सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है मुगल एम्पायर से, ठीक है। और मुगल एम्पायर स्टार्ट होता है 1526 से लेकर 1757 तक, ठीक है। तो बड़े बड़े जो एम्पायर थे, चोल साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में तुगलक, मुगल, कंप्राइज मैनी रीजन्स, इनमें बहुत बड़े बड़े रीजन्स शामिल थे। देखिए आगे, एक संस्कृत प्रशस्ति, देखिए संस्कृत प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब होता है किसी के बारे में कुछ अच्छा लिखा जाए, उसकी प्रशंसा की जाए, उसे बड़ा चढ़ा कर लिखा जाए, उसे बोला जाता है प्रशस्ति। तो एक संस्कृत प्रशस्ति में प्रशंसा की गई थी किसकी, द दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलवन, दिल्ली का सुल्तान था गयासुद्दीन बलवन, और यह किस डायनेस्टी से रिलेटेड था, यह था स्लेव डायनेस्टी से रिलेटेड, गुलाम वंश से संबंधित था, और गुलाम वंश का फाउंडर कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसी डायनेस्टी में आगे चलकर एक बड़ा रूलर हुआ था जिसका नाम था गयासुद्दीन बलबन, और बलबन अपने आप को क्या मानता था, यह गॉड का रिप्रेजेंटेटिव मानता था कि मैं कौन हूँ, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, ठीक है। तो इसका जो रूलिंग टाइम था वो था 1266 टू 1287 था। टोल्ड दैट ही वाज द रूलर ऑफ ए लार्ज एम्पायर, अब इस प्रशस्ति में क्या कहा गया है कि वह रूलर था, बहुत बड़े साम्राज्य का एक रूलर था, दैट स्ट्रेच फ्रॉम बंगाल, और जिसका विस्तार कहां से कहां तक था, बंगाल से लेकर इन द ईस्ट ऑफ गजनी इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में एक जगह का नाम है, प्रदेश का नाम है गजनी, ठीक है, जिस जहाँ से महमूद गजनवी आया था, मोहम्मद गोरी आया था, ये कहाँ से आए थे, गजनी से आए थे, ठीक है। तो बंगाल से लेकर गजनी अफगानिस्तान तक, इन द वेस्ट, यदि पश्चिम में देखा जाए तो इंक्लूड द एम्पायर साउथ इंडिया, जो साउथ इंडिया था वह साउथ इंडिया किस में शामिल था, इस बलवन के पीरियड में शामिल था, बलवन का जो एम्पायर था इसमें शामिल था। और साउथ इंडिया में द्रविड़ जो पीरियड है, द्रविड़ शैली, द्रविड़ आर्किटेक्चर जो स्टार्ट हुआ था वो साउथ इंडिया में हुआ था, और यहाँ से यहाँ तक किसका एम्पायर था, बलवन का। आगे देखिए, पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स गॉड आंध्रा, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात apparently fled before his armies, कि अब देखिए कि गॉड आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात के जो अलग अलग रीजन हैं, यहाँ के जो लोग थे वो सब apparently, मतलब प्रत्यक्ष रूप से या स्पष्ट रूप से fled, भाग गए थे, before his army, उसकी सेना के आने से पहले, किसकी सेना के आने से पहले, बलवन की सेना के आने से पहले यहाँ के जितने भी लोग थे वो सभी लोग भाग गए थे, ठीक है। तो इससे क्या पता लगता है कि उस बलवन का जो एम्पायर था वह बहुत ही बड़ा था। नेक्स्ट देखिए, हिस्टोरियंस कंसीडर दीज टू बी
एक्स एग्रेटेड क्लेम्स टू क्लेम्स ऑफ कंक्वेस्ट. हिस्टोरियंस कंसिडर दीज टू बी एक्स एग्रेटेड क्लेम्स ऑफ कंक्वेस्ट. दैट मीन्स अब इतिहासकारों का क्या मानना था कि ये जितनी भी बातें कही गई हैं, ये क्लेम्स जितने भी दावे कहे गए हैं, ये सब एक्स एग्रेटेड मतलब बड़ा चढ़ाकर कहा गया है कि उसने इतनी विजय प्राप्त कर ली थी, उसने इस तरह से जीत हासिल कर ली थी. तो इतिहासकारों के अनुसार क्या था कि ये सभी बातें बढ़ा चढ़ाकर कही गई हैं. किनके अनुसार? पहले के जो इतिहासकार थे उनके अनुसार. एट द सेम टाइम इसी समय क्या था, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई रूल्स केप्ट क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. उन्होंने यह समझने की कोशिश की थी कि व्हाई रूल्स केप्ट क्लेमिंग, कि जो भी रूल्स थे वो सभी रूल्स पर ये दावे किस प्रकार से किए गए थे. टू हैव कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट्स, कि इंडिया के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स थे वहाँ पर कंट्रोल किस तरह से किया गया था, जो हमारा सब कॉन्टिनेंट था. सब कॉन्टिनेंट मीन्स होता है उपमहाद्वीप, ठीक है. तो इन इतिहासकारों का कहना था कि जो उपमहाद्वीप है हमारा भारत, इस भारतीय उपमहाद्वीप के डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट थे उन पर इन सभी का कंट्रोल था. मतलब ये जो अलग अलग रूलर्स हुए इन सभी का हमारे भारत पर कंट्रोल था, ठीक है. यह सब समझने का प्रयास भी किन के द्वारा किया गया था, इन इतिहासकारों के द्वारा किया गया था. तो ये टॉपिक हमने पढ़ा और इसमें हमने पढ़ा था रीजन्स एंड एम्पायर, कि कौन कौन से क्षेत्र थे और कौन कौन सा एम्पायर थे जिन्होंने हमारे भारत पर रूल किया था और जो इंडिया था उस पूरे इंडिया पर अपना कंट्रोल किया.